और अभी तो हल्की हल्की वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी, अब ऐसा हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। बगल में ही लेक है ना, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, लोग हाँ हाय अल्लाह टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर 10 तक गिरेंगे ना ये बोट गायब हो जाएगी। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो नैनीताल में आज कोहरा छाया हुआ है, सुबह से ही पूरा धुंध में है शहर। वैसे यहाँ लंडन फॉग कहते हैं हम लोग यहाँ लोकल भाषा में, कि नैनीताल में आज लंडन फॉग छाया हुआ है। तो कैसा माहौल है आजकल, लेट्स सी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मार्केट जाना है मुझे फिलहाल, अभी नीचे को थोड़ी देर में चलेंगे। देखो भाई पूरा धुंध धुंध दिख रहा है, पहले मुझे कुछ सामान वामान लेना है मार्केट से, फिर चलेंगे नीचे को। और यार बारिश पड़ने का जैसा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, मैं फंस जाऊँगा यार, ऐसा ना हो जाए। ओ यार ये ठंड हो गई आज भी। वैसे होता क्या है कि छाता ला ही रहा था मैं, आज ही नहीं लाया यार, बारिश पड़ने लगी है। मुझे लग रहा है मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, फिर छाता लेकर आऊँगा यार। मुझे लग रहा था ना कि मुझे घर जाना पड़ेगा और छाता लाना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा नहीं हुआ, मौसम थोड़ा सही हो गया यार, नहीं तो वापस होता ना चढ़कर घर जाना पड़ता, फिर छाता लेकर आता। तो फिलहाल तो मौसम सही हो गया है। घर से जब मैं निकला था ना, भयानक घना कोहरा लगा हुआ था, अब सारा सफाचट हो गया यार। खैर दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन यार, ऐसा ही रहता है, पल भर में यहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है। अब क्या है, बादल तो लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, ठीक ही है, अब ना ही हो तो अच्छा है। अब तो खैर आज की स्थिति को देख के मैं ये कहूँगा, जो लोग आना चाह रहे हैं नैनीताल आ जाना भाई। आज के अगर टेम्परेचर की बात करें, 19 डिग्री के आसपास इस वक्त हो रहा है और शाम को 16 डिग्री के आसपास जा रहा है। वैसे फिलहाल इस वक्त तो ठंड नहीं है और शाम को हल्की फुल्की ठंड हो रही है, एक पतला स्वेटर चाहिए अगर आ रहे हो तो। बच्चे हैं साथ में तो यार उनके लिए तो स्वेटर चाहिए होगा, आप लोग जो बड़े लोग हो एडल्ट, दे कैन ब्रिंग अ थिन स्वेटर, नॉट अ थिक वन। बढ़िया मौसम है आने का अगर नैनीताल आ रहे हो तो। बाकी ये अंकल अच्छा इनको कह रहे थे अंकल, बच्चों को कुछ नहीं पता भाई, किसी को भी अंकल बोल देते हैं। आज के माहौल को देखकर मैं ये भी कह सकता हूँ, एक गाना याद आ गया कि दुख भरे दिन बितर भैया अब सुख आए हो रे। फाइनली यार मौसम एकदम पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ है आज, ऐसा दिख रहा है। और आने वाले दिनों में होप जितनी भी ये बारिश आ रिश थी अब यार बस थम जाए। ये थोड़ा साइड हो जाओ, ई रिक्शा आ रही है, मैं ई रिक्शा के जो एंडिंग स्टेशन है वहाँ तक जा रहा हूँ। तो अबे तेरी, ये तो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गया यार पूरा, वाह क्या बात है, वाह बचपन ऐसे ही तो शरारतियों से भरा हुआ बचपन होता है। खैर यही चीज़ है, घर से निकला था ना, मुझे लग रहा था भाई भयानक कोहरा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या हुआ कि चंद मिनटों में या आधे घंटे के मतलब गैप में ही क्या हुआ कि पूरा माहौल जो है शहर का चेंज हो गया है। ऐसा ही है नैनीताल शहर यहाँ, यहाँ पल भर में चीज़ें बदलते रहती हैं। ये से फ्लैट्स का कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो बादल कैसे अलग ही मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, देखो कैसा लग रहा है अपने आप में, अद्भुत लगता है यार कभी कभी बादल जितने भी है ना। सामने चाइना पिक है और भाई जिस तरीके से आ रहे हैं ना, ये अपने आप में हेवन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, तो फिलहाल ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे तो। इस टाइप के नज़ारे यार लोग तभी यहाँ आके बावले हो जाते हैं, अरे यार क्या ही क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यहाँ के। इस टाइम पे क्या है कि अभी जैसा माहौल हो रहा है, मतलब यहाँ पहाड़ियों में इधर उधर घूमने निकल जाओ, वाह यार अद्भुत ही लगता है यार। और किस तरीके से बादल ना यार, आप बादलों के ऊपर होते हो, ऐसे पहाड़ों के आप जो सामने चाइना पिक है वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ से फिर नैनीताल शहर को देखो यार, क्या ही मतलब लगेगा स्वर्ग में पहुँच गए हैं। DSA फ्लैट्स के देखो ठीक मेरे सामने अब क्या स्थिति हो गई, पल भर में दोबारा से माहौल चेंज हो गया है भाई, पूरे बादल आ गए हैं लेक साइड, तो हम उधर को ही जा रहे हैं अभी। यहाँ यार मौसम देखो कैसा है यार, विद इन मतलब 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है यार, ये है। खैर इस बीच तो ये रहता ही है मानसून में नैनीताल का ये माहौल ना, कभी भी माहौल मतलब मौसम कभी भी चेंज हो जा रहा है। हल्की सी ठंड भी हो गई है, धुंध ना अपने साथ थोड़ी थोड़ी होता है वाटर ड्रॉप्स वो भी ला रही है, तो हल्के हल्के सब गायब होने लग गया यार, एकदम से एक घना वाला कोहरा आ गया है। तो हम बोट स्टैंड की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है उधर को चलते हैं। ऐसे में बोटिंग करना भाई, बीच लेक में आप हो और कुछ नहीं है भाई, ऐसे में तो और तगड़ा लगता होगा यार, बीच लेक में देखो लेक है भाई सामने, यहाँ लेक भी नहीं दिख रही अभी तो। ओफो एक तो वाटर ड्रॉप्स पड़ रही है ना कोहरे के साथ, आज वाटर ड्रॉप्स भी आ रही हैं। खैर हल्का हल्का ठंडा भी है, वैसे जिस तरीके का अभी डेंस कोहरा हो गया है उसमें सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है क्या? नहीं होती वैसे यार। अब जैसे ये बोट जा रही है ये क्षण भर में गायब हो जाएगी यार, मतलब हम अगर 10 तक गिरेंगे ना ये बोट गायब हो जाएगी यार। और भी बोट्स आ रही हैं, जैसे ये कहाँ गई, ये अपनी जर्नी पर चली। ऐसे में यार क्या इंजॉय होगा वैसे कोहरे में, आप बीच लेक में भी होगे ना इतना ही डिस्टेंस देख पाओगे, कुछ ही नहीं दिखेगा लिटरली कुछ ही नहीं दिख रहा है यार। ये बोट हल्के हल्के गायब होने लग गई है, टाइटैनिक की तरह ये मर्ज हो जाएगी मर्ज हो जाएगी क्या यार,
चलो यहाँ से गिने क्या, एक टिक टिक, दो टिक टिक, तीन टिक टिक, चार टिक टिक, पांच टिक टिक, छः, बोट लगभग लगभग भाई गायब हो चुकी है, टिक टिक, सात टिक टिक, आठ टिक टिक, नौ दस बारह गायब हो गई। देखो बोट का कहाँ है, बोट कहाँ है, बोट। ऐसा माहौल देखने के लिए नैनीताल आता ही है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है, भाई एटलीस्ट इस टाइप का मौसम इंजॉय करने तो यार, हाहा ऐसी चीज़ है भाई प्लेन्स में नहीं मिलने वाली है। प्लेन्स में कोहरा होता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भाई प्लेन्स का कोहरा भी मैंने देखा बहुत ही बेकार होता है, एटलीस्ट नैनीताल जैसा नहीं होता कोहरा। धुंध पूरी हो गई है, हम मॉल रोड में आ गए हैं, चलो मॉल रोड को चलते हैं। अरे यार गाड़ियाँ, मॉल रोड और गाड़ियाँ, चलो पहले रोड क्रॉस करने पड़ेगी यार, कर लो भाई, रुक जाओ एक मिनट, चलो कर लो कर लो कर लो, भाग कर। ओफो कह रहे ऐसे कोहरे में क्या है घूमने में क्या होता है ना, अरे यार थोड़ा सा तो ऐसे कोहरे में घूमने में क्या होता है भाई, भीग जाते हैं यार, क्योंकि ये अपने साथ थोड़ा थोड़ा या इसने क्या कर रखा है, वाटर ड्रॉप्स इसके साथ आ रही हैं कोहरे में, तो बाल तो एकदम भाई सिल्की सिल्की से गीले हो जा रहे हैं। ठीक है घर। कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम नैनीताल। देखो यार अक्टूबर के टाइम पे आओगे यहाँ पर बहुत बढ़िया मौसम रहता है, हल्का हल्का ठंडा रहता है, सो आई थिंक अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हेयर। होटल रेट सामान्य रहते हैं, आजकल भी सामान्य चल रहे हैं, वैसे ऑफ सीज़न लग गया है शहर में, अगर आ रहे हो तो 1000-1200-1500 में बहुत से होटल मिल जाएंगे। बगल में ही लेक है ना, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, लोग हाँ हाय अल्लाह टाइप कर रहे हैं, क्योंकि भाई कोई देख ही नहीं पा रहा होगा ना, टूरिस्ट होंगे घर, ठीक ही है यार इंजॉय ऐसे ही तो करा जाएगा, कोई नहीं देख रहा है हमें, लेकिन भाई ऐसे में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, यहाँ ज़्यादा ही मस्ती में ना आप लेक के बीच हो जाता है, बहुत से टूरिस्ट उछल कूद भी करते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, वैसे नहीं करने चाहिए उछल कूद, अभी पता भी नहीं लग रहा, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं खूब ज़्यादा, हो इस टाइप से मस्ती कर रहे होंगे, ठीक ही है, बट ये है कि जैसे कोहरा नहीं लगा रहता है तो आसपास के जितने भी लोकल्स हैं ना वो टोक देते हैं, नीचे बैठो, या नाव वाली कोई ना कोई टोक ही देता है, नीचे बैठो खड़े मत हो, रिस्की रहता ही है बोट में यार। यार ठंडा लगने लगा है भाई, कोहरा कुछ ज़्यादा डेंस हो गया है इस वक्त, मज़े आ रहे हैं यार ऐसे माहौल में भी नैनीताल में, लेकिन क्या है कि गाड़ी वालियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बड़ा आराम से चलना पड़ता है, क्योंकि टर्न्स वर्न्स होते हैं ना यार, ऐसा डेंस कोहरा है, विजिबिलिटी ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन फिर भी हैज़ार्ड लाइट जलाने पड़ जाती हैं, और थोड़ा सा क्या कहते हैं यार हिली एरिया है, तो जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ में गाड़ी चलाने के, तो उनके लिए तो भाई थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी तो हल्की हल्की वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी, अब ऐसा हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, मिस्ट या कोहरे के साथ होने लगी है बारिश, चलो थोड़ा आगे तक तो हम चलेंगे, लेट्स सी। वैसे नैनीताल आता तो भाई यू कैन परचेज कैंडल एंड ऑल, नैनीताल की फेमस है कैंडल्स और यहाँ का हैंडी क्राफ्ट, तो दो चीज़ें हैं नैनीताल आते हो तो, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या खासियत है इस शहर की, तो भाई नैनीताल की कैंडल्स जैसी और कहीं कैंडल नहीं मिलेंगी, तो इफ़ यू कम हेयर तो एटलीस्ट परचेज करना ज़रूर, चाहे छोटा सा 10 रुपये वाला कैंडल लेके जाना, ऐसे में यहाँ थोड़ा सा रिस्की होने लगता है कोहरे में और ज़्यादा, मैं भी बार बार आगे पीछे देख रहा हूँ यार, कि ऐसे हाथ हिलाता रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ मैं यार देख जाऊँगा, इतनी भयानक विजिबिलिटी भी मतलब दिख रहा है, एक स्पेसिफिक मुझे डिस्टेंस नहीं पता लगा सकता है कितने डिस्टेंस पे, मतलब होता नहीं है कि ज़ीरो विजिबिलिटी है या इतनी 10 मीटर की विजिबिलिटी है, तो फिलहाल जो भी होगा यार टेक्निकल टर्म अपने को नहीं मालूम है, बट ये है कि लोगों ने लाइट आइटें जला दी हैं गाड़ियों की चलाते वक्त। यार क्या अजीब सा हो गया है मौसम यार, पल भर में अभी तो एकदम साफ था यार, और ऐसा हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद विदन आवर्स दोबारा से चेंज हो जाए मौसम, क्या ही कहें नैनीताल, वाह नैनीताल तेरा क्या कहना, वाह वाह यार ये लाइट आइटें जला के क्यों नहीं चल रहे हैं यार ऐसे में, चलो ये समझदार है, हम देखते हैं कौन कौन समझदार है, ये समझदार है, ये समझदार नहीं है, ये समझदार है उसके बगल वाला समझदार नहीं है क्या है यार, ये भी समझदार नहीं है जो आ रहा है यार, मतलब क्या आपको लाइट जलानी चाहिए, मतलब लाइट्स तो ऑन होनी चाहिए ऐसे में। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर, मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा कुशुम।